दोस्तों आपने अपनी वेबसाइट या ब्लॉग तो जरूर बना लिया होगा, लेकिन आप अब सोच रहे होंगे कि हम अपने वेबसाइट या ब्लॉग पर एडसेंस का अप्रूवल कैसे लें। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इस समय होता है हमें एडसेंस अप्रूवल लेने में। मैंने कैसे अपने वेबसाइट के लिए एडसेंस अप्रूवल लिया और आप कैसे अपने वेबसाइट के लिए अप्रूवल ले सकते हो, इस वीडियो में सारे टेक्निक्स आपको बताऊंगा जो कि मैंने खुद अपने ब्लॉग के लिए अप्लाई किया था और मुझे यहाँ पे जो अप्रूवल है दूसरे अटेम्प्ट में मिला था। मैं आपको बता दूँ पहली बार में मेरा जो था वो रिजेक्ट कर दिया था, फिर मैं ट्राई करते गया और दूसरी बार में मुझे जो है ना अप्रूवल जो है एडसेंस का मिल गया। अब आप कैसे अपने वेबसाइट को मोनेटाइज करोगे, एडसेंस का कैसे अप्रूवल लोगे, इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो के साथ आप बने रहिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो यार रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट में जो भी प्रॉब्लम है मुझे बताइएगा, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों एडसेंस अप्रूवल लेने से पहले सबसे पहले एक बात आप ध्यान रखना कि आप अपनी वेबसाइट को फुल्ली यहाँ पे कस्टमाइज कर लीजिएगा, कहीं भी कोई भी लिंक ब्रोकन वगैरह ना हो, सब कुछ प्रॉपर सेट कर लेना, ठीक है। आपकी वेबसाइट जब प्रोफेशनल दिखने लगेगी तब आपको मैं बताता हूँ क्या करना है। आपको अपनी वेबसाइट पर एटलीस्ट यहाँ पे 10 पोस्ट जरूर लिखने हैं अप्लाई करने से पहले। जब आप 10 पोस्ट लिख लोगे ना तब गूगल को लगेगा कि हाँ ये बंदा यहाँ पे जेन्युइन तरीके से काम कर रहा है और पोस्ट वगैरह दे रहा है, तो वो सोचेगा, एक बार सोचेगा आपको अप्रूवल देने के लिए, ठीक है। दूसरा काम आपको ये करना है कि आपको फूटर क्रेडिट वगैरह निकाल देना है अपनी ब्लॉग या वेबसाइट से। मैंने सभी चीज़ें ऑलरेडी बता दी हैं कि फूटर क्रेडिट कैसे निकालते हैं, ब्लॉग को कस्टमाइज कैसे करते हैं और अपने ब्लॉग के लिए आप प्रोफेशनल लुक कैसे दे सकते हो, सब कुछ मैंने बताया है, ठीक है। तो वो वीडियो आप देखिए, ब्लॉगिंग वाली मेरी प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, ठीक है। तो आप फूटर क्रेडिट नहीं रखोगे, फूटर क्रेडिट आप निकाल देना किसी भी तरह, मैंने बता दिया कैसे निकालते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको डिस्क्लेमर पेज बनाना है, प्राइवेसी पॉलिसी पेज बनाना है, अबाउट अस पेज बनाना है और साथ ही साथ एक पेज और बनाइएगा आप, कॉन्टेक्ट अस। अब ये चार पेज जरूर आप बना लीजिएगा, तब यहाँ पे आपकी जो वेबसाइट है ना पूरी तरह से प्रोफेशनल हो जाएगी और जो पोस्ट आप लिखते हो वो यूनिक होना चाहिए। उस टाइप का जो पोस्ट है, या मतलब कहने का ये है प्लगरिज्म में आप जब चेक करो तो वो यहाँ पे कॉपीराइटेड ना हो, तो आपको यहाँ पे इंस्टेंट अप्रूवल एडसेंस का मिल जाएगा। अब दोस्तों मैंने ऑलरेडी एक पोस्ट लिखा है कि एडसेंस अप्रूवल आप कैसे ले सकते हो, ठीक है। उसका लिंक इस पोस्ट के डिस्क्रिप्शन में है, वो आप ज़रूर पढ़िएगा। उसको आप पढ़ेंगे ना तो आपको डिटेल नॉलेज मिल जाएगा कि क्या क्या मैंने किया था ताकि मुझे एडसेंस का अप्रूवल मिल गया और आपको कैसे मिल सकता है। उस पोस्ट को पढ़ने के बाद आपको भी एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। फिर भी अगर किसी को एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता है तो वो मुझे इस वीडियो में कमेंट करेगा, मैं उसका वेबसाइट जो है एनालाइज करूँगा। तो आप अपने वेबसाइट को मुझे सेंड करिएगा, ठीक है। तो मैं उसको एनालाइज करूँगा और आपको बता दूंगा कि क्या प्रॉब्लम है आपकी वेबसाइट में, क्यों एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।